हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर TCS टीम की तरफ से। फ्रेंड जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बनाया था वीडियो, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि TCS का इंटरव्यू जो मेल लोगों को आना चालू हो गए हैं, जिन लोगों ने भी TCS का पेड NQT एग्जाम या फ्री NQT एग्जाम पिछले 2 सालों में दिया है, क्योंकि TCS का स्कोर कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि TCS यहाँ पर इंटरव्यू मेल सेंड कर रही है और इंटरव्यू रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं फॉर द बैच ऑफ 2023। लोगों को ऑफर लेटर भी आना चालू हो गए हैं। तो आज के दिन कुछ लोगों को, जो है मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, कुछ लोगों को जो 23 बैच से बिलोंग करते हैं, 22 बैच से बिलोंग करते हैं, 21 बैच से बिलोंग करते हैं, उनको जो इंटरव्यू का रिजेक्शन मेल देखने को आया है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप बता रहे हैं 23 बैच का, बट आपने यहाँ पर 2021 एंड 2022 बैच को मेंशन क्यों करा है? देखो इन लोगों का स्टेटस काफ़ी दिनों से बैच पड़ा हुआ है। अब बैच के बाद भी कुछ लोगों को जो है रिजेक्शन का, रिग्रेट का मेल आ रहा है, जिनका अभी तक बैच्ड ऑप्शन शो कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिनके अभी तक बैच्ड ऑप्शन शो कर रहे हैं उनको रिजेक्शन आएगा, नहीं। बट अगर आप लोग TCS का इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते हो, ओके, अभी आपके पास रिजल्ट नहीं आया है, तो फिलहाल अभी जो है वो लोगों को सेंड कर रही है। अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो तो आपको ऑफर लेटर आएगा, रिजेक्ट होते हो, कीप इन माइंड फ्रेंड, ये जो स्टेटस अपडेट होते हैं ना, ये केवल आप लोगों के लिए आफ्टर इंटरव्यू होता है। आप लोग ये मत सोचना कि सर ये रिजेक्शन एग्जाम के बाद भी आता है क्या, नो नेवर। एग्जाम के बाद आपका पोर्टल एज इट इज रहेगा। ये रिजेक्शन तभी आता है जब आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, आइदर टेक्निकल और MR और HR और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चारों राउंड्स में ही आपके पोर्टल अपडेट होते हैं या कंपनी आपको मेल भी करती है, या जैसा कि आपको मेल स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट बेसिस ऑन परफॉर्मेंस वी विल नॉट एबल टू टेक योर कैंडिडेचर टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो मेल भी आते हैं और लोगों के स्टेटस अपडेट होते हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जस्ट पॉज दिस वीडियो, जस्ट गो टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, जस्ट लॉग इन ओवर देयर एंड वंस ट्राई टू लॉग इन योर इग्निटो मोड, ओके, एंड देन आफ्टर यू आर एबल टू सी दिस रिग्रेट मैसेज ओनली इफ यू डिड नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू, एंड इफ यू क्वालिफाई द इंटरव्यू देन ऑल्सो यू आर एबल टू सी ऑफर लेटर ऑप्शन टैब ओवर देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So if you are shortlisted, then they will also update the offer letter option over there, and also you are going to receive offer letter for the same. But if you didn't qualify the interview, then you are going to receive this kind of message on your TCS Next Step portal. And second, TCS rejected must watch. Why I'm writing over there? If you got rejected, I'm talking about for the batch of 2023 to 2021. So if you are rejected from the TCS, then nothing to worry, don't worry, I am here for help you guys, okay, just wait for the TCS ITP exam for the batch of 2020 to 2022 batch and for 23 batch, don't worry, they will again going to conduct the off campus hiring for the 23 batch. So darne koi baat hai hi nahi, hai na? Aap bologe sir 6 mahina wait karna padega, aisa kuch criteria hai kya? नहीं क्रिटेरिया, मैं कैसे आप लोग को हेल्प करूंगा? वो वेट करना, जब न्यू हायरिंग आएगी ना ऑफ कैंपस हायरिंग में बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए जो रिजेक्ट हो गए हो, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, वेट करना। 23 बैच की रिक्रूटमेंट आने वाली है और 2021-2022 बैच के लोग जो थे उनके पास आने वाला है ITP का एग्जाम मेल, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए हूँ। ये कोई बैड न्यूज आप लोग के लिए नहीं है। चलो ठीक है, देखो सिलेक्शन और रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ओके, हम लोग को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ क्या हम लोग का रिजल्ट है वो हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कैसा प्रिपेयर करा। रिजेक्ट हो चुके हो, डोंट वरी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ चांसेस फॉर यू इन द TCS। इफ यू वांट टू वर्क इन TCS, देन आई एम देयर फॉर हेल्पिंग यू गाइज, ओके, यहाँ पर हमेशा रहूँगा चैनल पर, हमेशा आप लोग मेरा वीडियोज देखोगे, डेली बेसिस पर देखोगे, तो बिल्कुल डरना नहीं है। रिजेक्शन हो गया, कोई डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ आप लोग का हेल्प करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे मैंने अपने 6 महीने में, 6 महीने में मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया, मेरे पास काफ़ी ऑफर है TCS का है, मैं हर टाइम में एग्जाम देता हूँ, मैं 23 बैच में भी बैठ के मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। अब कैसे दिया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये थोड़ा सा टिप्स वगैरह हो गया, ठीक है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग जाकर चेकआउट करो, रिजल्ट आउट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो कुछ डाउट से कमेंट में पूछ सकते हो, और आप लोग कमेंट जरूर करना जितने लोगों का रिजेक्शन आया है, आप लोगों का स्टेटस क्या है, आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो, ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हो, जस्ट कमेंट इन डाउन सो दैट मैं आप लोगों का क्वेरीज का रिप्लाई भी कर सकूँ, और मैं आप लोगों के जो डाउट ज्यादा आएंगे मैं वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, होप करते वीडियो आपको अच्छी लगी, फिर वीडियो को यहाँ तक देख लियो, प्लीज आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।